यदि आप चाहते हैं कि आपका जो भी दुश्मन है आपस में लड़े, एकदम तंग हो जाए, परेशान हो जाए, तो आपको यह एक उपाय कर देना है। चमत्कार देखिएगा, आपका दुश्मन आपस में लड़ने लगेगा। कब करता है यह आदमी? जब आप अपने दुश्मन से परेशान हो गए हैं तो आप इसका प्रयोग जरूर कीजिएगा। आपका जो भी दुश्मन होगा आपस में एकदम लड़ने लगेगा, झगड़ने लगेगा, एकदम आप आराम से रहने लगिएगा। कैसे करना है आइए बतलाते हैं। उसके पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल घंटी को दबा दीजिए ताकि हम जितने भी वीडियो बनाएंगे सबसे पहले आप ही के पास में जाएगा। देखिएगा, जब आपका दुश्मन बढ़ गया है, आप उससे परेशान हो गए हैं, आप चाहते हैं कि आपका दुश्मन एकदम आपस में लड़े और आपके पास घुटना टेक दे, एकदम आपस में ही मिले जुले रहें, तो आपको दो किल लेना है, दो कांटे, जो कांटी होता है किल लोहा का, आपको लेना है। उसको क्या करना है, एक जगह रख लेना है, एक जगह रख लेना है। और जो कुम्हार जो होता है, कुम्हार कुम्हार जो खपरा जो होता है या कोई मिट्टी का बर्तन बनाता है, उसको आग उसमें लगा करके क्या करता है, उसका उसको पकाता है, तो उसका जो उसमें से जो राख कुछ निकलता है उसी राख को उसमें से थोड़ा सा आपको ले लेना है, ठीक है ना। और उस राख को ले लेना है, उसके बाद में दो किल को ले लेना है और दोनों किल को उसको क्या करना है, राख के ऊपर रख देना है। उसके बाद में क्या करना है, उसको कागज में रख करके क्या करना है, अपने तकिए के नीचे रख करके रविवार के दिन सो जाना है। रविवार के दिन करना है, रविवार के दिन तकिए के नीचे रख करके सो जाना है। और सोमवार के दिन आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, जो भी आप दो दुश्मन के बीच में लड़वाना चाहते हैं तो दो दुश्मन, पहला दुश्मन दूसरा दुश्मन, क्या करना, उसके क्या करना, थोड़ी सी मात्रा में राख को और एक कील को उसके छत पे या छप्पर पे फेंक देना है और दूसरे कील और थोड़ी सी मात्रा में राख को उसके दूसरे वाले दुश्मन के छत पे या छप्पर पे फेंक देना है। और चमत्कार देखिएगा, वो दोनों दुश्मन आपस में लड़ने लगेगा, झगड़ने लगेगा, आपके सामने एकदम घुटने टेक देगा, वो एकदम परेशान हो जाएगा। मैं आप सभी को यह तभी राय दूंगा जब आप अपने दुश्मन से परेशान हो चुके हैं, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तभी कीजिएगा, क्योंकि यह बहुत ही खतरनाक पावरफुल है, इसलिए सोच समझ के इसका प्रयोग कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल घंटी को दबा दीजिए ताकि हम जितने भी वीडियो बनाएंगे सबसे पहले आप ही के पास में जाएगा।